तो करते हैं वीडियो की शुरुआत एक फन ट्रिक से, जिसको करने के लिए आपको वेटिंग लॉबी में आ जाना है। अभी आपको क्या करना है, इस वाली जगह से जस्ट आपको सामने की तरफ यहाँ पे जाना है, जॉयस्टिक को मूव करते आगे की तरफ जाना है और यहाँ पे जिप लाइन है, इस पे जंप मार के और इधर के ऊपर आ जाना। टॉप पे आने के बाद यहाँ से एक जंप मारो एंड यहाँ पे कंपेनियन पे ऊपर आने के बाद में ये देखो पिछले अपडेट में ये वाला ग्लिच फिक्स हो चुका था लेकिन वापस से आ चुका है। अब देखो वेटिंग लॉबी में और क्या ही कर सकते हो फन के अलावा, मतलब थोड़ा टाइम पास कर सकते हो। तो ये वाली ट्रिक यूज करके कमेंट में बताना भाई कैसी लगी, एक बार यूज करके जरूर से बता। ऑलराइट करते हैं अगली ट्रिक की बात, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट ट्रिक है, जिसको करने के लिए आपको इस वाली जगह पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है, दो चीज़ों की नीड होगी। पहला यहाँ पे देखो ग्रेपलिंग हुक एंड शैडो ब्लेड। अब दोनों को लेने के बाद में देखो मैप में भी बता देता हूँ, यहाँ पे सेल्टर में होने वाला है, सेल्टर के बंकर के अंदर आ जाना है। एंड यहाँ पे क्या करना है, तुमको शैडो ब्लेड को हाथ में लेना है एंड इस जगह पे क्राउच करके अपने पावर वाले बटन का एक बार यूज करना। आते हैं आपको थ्रोबल आइटम वाले सेक्शन में, आपको क्या करना है यहाँ पे ग्रेपलिंग हुक को इक्विप करके जस्ट यहाँ पे एक मतलब शूट कर देना है। एंड ये देखो भाई पूरा का पूरा इसके अंदर आ चुके हो, यहाँ से इतना अच्छा खासा व्यू मिलता है। इवन एनिमीज को अपने टीममेट को बता सकते हो कि एनिमीज कहाँ है, लोकेशन मार नहीं सकते, ये डिसएडवांटेज। लेकिन अगर आप रैंक पुश कर रहे हो, सीजन भी आने वाला है भाई, ये वाली ट्रिक आपके लिए बहुत काम आने वाली है। ये वाली मतलब आप एक बार व्यू देखो भाई, बहुत अच्छा व्यू है। आपको निकलने की ट्रिक बताऊंगा क्योंकि अब वो सारे के सारे फिक्स हो चुके हैं। जब अपन यहाँ पे देखो इसी तरीके से जंप मारते हैं ना तो वापस से टेलीपोर्ट होकर वहीं पे आ जाते हैं। लेकिन अब क्या करना है आपको यहाँ पे बाहर निकलने, आपके पास यहाँ पे ग्रेपलिंग हुक तो है ही, तो आप एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकते हो। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने ग्रैपलिंग हुक का यहाँ पे जमीन पे यूज किया एंड ऊपर की साइड से इधर आ चुका हूँ। यहाँ से यहाँ पे भी लेस ग्रेप करके जा सकता हूँ, जहाँ मेरे को जाना है वहाँ जा सकता हूँ। इवन आप यहाँ पे पेड़ के जो अंदर का देखो सीन भी देख सकते हो भाई कैसा दिखता है, मतलब आप यहाँ पे फन भी कर सकते हो, रैक पुश तो कर ही सकते हो, अपने टीममेट को एनिमीज की लोकेशन भी बता सकते हो। बाहर निकलने के कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस तरीके से निकल सकते हो। बताता हूँ पर उससे पहले अगर आप चाहते हो कि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पे आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। अपडेट में मिलने वाली शैडो ब्लेड का डैमेज यहाँ पे डीपीएस से भी ज्यादा है। अगर आपको यहाँ पे देखो क्लोज रेंज में फाइट करनी है तो हमेशा क्या करना, एनिमीज के सामने इस तरीके से तलवार लेके खड़े हो जाओ एंड इस तरीके से आप यहाँ पे डॉज कर सकते हो, उसकी बुलेट एंड मार भी सकते हो। तो अगर आपको क्लोज रेंज फाइट है ना तो भाई यही यूज करो, आपको बहुत अच्छा खासा चिकन डिनर मिल सकता है। मैप में ध्यान से नजर डालो एंड यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो, ये वाला जो है ना नोवा के ऊपर वाला, ये जो बोलते क्या बोलते पहाड़ी, इसके ऊपर एक टावर है। आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा भाई, एनिमीज की पूरी पूरी स्क्वाड को आपकी लोकेशन पता नहीं होगी, इवन उनको मार भी सकते हो। तो ध्यान से देखना करना क्या, इसके टॉप पे जाना कैसे। तो देखो पहला आपको यहाँ पे शूट करना है, देन यहाँ पे आ जाओगे एंड यहाँ पे आके देखो भाई पूरी पूरी एनिमीज की स्क्वाड आ गई। दूसरा यहाँ से जंप मारो एंड यहाँ पे आ जाओ, जो जो मैं बता रहा हूँ वही करना, अदरवाइज तो ऊपर नहीं जा पाओगे। देन यहाँ पे एक थोड़ा सा एम करना है और यहाँ पे शूट करना है, थोड़ा सा एम करना है और यहाँ पे शूट करना है, देन यहाँ से यहाँ पे शूट करना है। ये जो दिख रहा है ना पोल, यहाँ से जस्ट शूट करोगे एंड यहाँ पे आके अटक जाओगे, लेज ग्रिप करके अटक जाओगे, वरना सीधे भी अटक जाओगे। और लास्ट वाला यहाँ पे, और ये पॉइंट देखो भाई, लास्ट एंड वाला पॉइंट भाई आपको पूरा का पूरा ऊपर की तरफ लेके आ जाएगा। कोई भी एनिमीज अगर नीचे से भी देखता है ना तो भाई नहीं दिख पाओगे क्योंकि इतने छोटे प्लेयर है ऊपर की जब जाके। और यहाँ से देखो इस एनिमीज को कैसे मार, भाई इसको पता भी नहीं चला कि आखिर मैंने इसको मारा कैसे। मान लो ब्रिज की साइड जोन चला गया तो यहाँ पे जंप करो एंड यहाँ पे तुमको हवा ग्लाइडर यूज कर लेना। एंड ये देखो भाई आपको किसी भी कार की जरूरत नहीं पड़ेगी ब्रिज पे जाने के लिए, आप पूरा का पूरा सरप्राइज अटैक दे सकते हो एनिमीज की जो भी यहाँ पे नीचे की तरफ है, क्योंकि आप यहाँ पे ना तो कार का ही साउंड आएगा ना आपके पैरों का, आप पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाओगे भाई साहब। देखो जब भी आप गेम खेल रहे हो तो दो चीज़ें आपके साथ होती है, या तो आप टीपीपी लेते हो या एनिमी। तो एनिमी अगर टीपीपी लेता है तो भाई आपके लिए एक मस्त ट्रिक बताता हूँ। देखो सामने की तरफ मान लो एक बंदा है, मानो मत क्योंकि बंदा है भाई, रियल में ही बंदा है, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे प्रोक्सी स्काउट डिवाइस है ना इसको फेंक देना है। देखो जस्ट यहाँ पे फेंक देना है एंड फेंकने के बाद में क्या करना है, एनिमीज के पास चले जाना है। एनिमीज के पास जाने के बाद ये जो बटन दिख रहा है ना आपको एग्जिट वाला, जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही क्लिक करोगे ये देखो उसको थोड़ा सा डैमेज होगा एंड वो क्या थोड़ा सा दूर फेंक जाएगा एंड आप इजी पीजी उसको मार भी सकते हो एंड चिकन भी निकाल सकते हो। देखो ये तीन इवेंट है यहाँ पे जो लोग घर है, यहाँ पे आपको इनको यहाँ पे फोड़ के जिप लाइन को फोड़ के अलावा यहाँ पे देखो सप्लाई वेयर हाउस सीक्रेट की है ना, इसको भी यूज कर सकते हो। इसको जस्ट उठा लेना एंड यूज करोगे ना तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा, आपको जिप लाइन तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको गोली वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको कहीं। देखो कभी कभी हम जल्दी जल्दी में गेम खेलते टाइम क्या करते हैं, यहाँ पे जंप मार देते हैं हाई लोकेशन से, या तो अपने को यहाँ पे देखो एचपी डाउन हो जाती है या अपन किल भी हो जाते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन बताता हूँ आपको, अपडेट में जब भी आप हाई लोकेशन से जंप मारो तो शैडो ब्लेड की यहाँ पे देखो पावर का यूज करो एंड यह देखो
बूस्ट वाले बटन का यूज करोगे तो आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। तो आप ये वाली चीज याद रखना, अगर आपको डैमेज नहीं खाना है तो भाई ये वाली ट्रिक जरूर से यूज कर लेना। ओके, तो यही था वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स का यहाँ पे देखो लिविक पे चाहिए या एयर एंगल पे कमेंट में जरूर से बताना। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। पार्ट 3 के लिए जरूर से कमेंट कर देना। बाय बाय।